लेके आया था, तो ये अल्फा कंपनी का, तो देख सकते हैं यहाँ पे भी जो कि लिखा हुआ है, मैं अच्छी तरह से आप लोगों को दिखा देता हूँ। थोड़ी ही देर में जो कि इसका धार खत्म हो गया और बिल्कुल काम का नहीं है ये, तो ये देख सकते हैं एक्स्ट्रा पावर कंपनी का ब्लेड। तो दोस्तों मैं ज़्यादातर यही वाला ब्लेड यूज़ करता हूँ, तो 330 में मुझे ये ब्लेड मिल गया, लेकिन इसका प्राइस बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, तो इसमें तो कुछ प्राइस वगैरह कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, एक्स्ट्रा पावर कंपनी का। हाफ राउंड शेप में बनाना है, देख सकते इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए ब्लेड बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, हल्का सा जो कि डाउन है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ और साथ साथ बताने भी वाला हूँ कि जो है कि एक इलेक्ट्रिक प्लेनर मशीन का जो है कि ब्लेड कौन सा वाला प्लेन से सही होता है, तो हमारा काम भी जो अच्छी तरह से हो जाए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कौन सा ब्लेड जो लेके रखा हुआ है। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जो कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को शायद दिखाया था, अगर आपने उसको वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं वो वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग जाकर चेकआउट जरूर करिएगा। तो दोस्तों मैंने ये वाला ब्लेड पहले लेके आया था, तो ये अल्फा कंपनी का, तो देख सकते हैं यहाँ पे भी जो कि लिखा हुआ है, मैं अच्छी तरह से आप लोग को दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। तो इसी कंपनी का, तो ये कंपनी का ब्लेड हमने लिया था। तो दोस्तों क्या हुआ कि इस वाला ब्लेड को हमने लेके आया, तो पहले तो हमने दूसरे कंपनी का ब्लेड यूज़ किया करता था, लेकिन हमने फिर ये वाला लेके आया, दुकानदार ने बताया था कि ये वाला ब्लेड भी बहुत अच्छा है, ये भी अच्छी तरह से काम होता है, लेकिन मैंने इसे यूज़ किया तो दोस्तों थोड़ी ही देर में जो इसका धार खत्म हो गया और बिल्कुल काम का नहीं है ये, तो काफ़ी ज़्यादा काम उतना खास नहीं होता, इसे जल्दी ही इसका धार जो है ख़त्म हो जाता है। और दूसरा जो है कि ब्लेड हमने ये वाला लिया है, देख सकते हैं एक्स्ट्रा पावर कंपनी का ब्लेड। तो दोस्तों मैं ज़्यादातर यही वाला ब्लेड यूज़ करता हूँ, तो ये दुकानदार ने बताया ये भी अच्छा है, लास्टिंग होता है बोल के, तो हमने ये वाला लिया था। तो जब ये वाला ब्लेड हमने लिया था, तो उस दुकान पर ये वाला ब्लेड नहीं था, तो इसलिए मैंने चलो एक बार ट्राई करते बोल के हमने ये लिया था। तो हमने इसको लिया, तो इसका प्राइस करके हमका 200 रुपया पड़ गया, और इस पैकेट में जो कि प्राइस वगैरह बिल्कुल भी लिखा हुआ नहीं है, देख सकते हैं चारों ओर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, प्राइस के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन ये वाला एक्स्ट्रा पावर कंपनी का ब्लेड तो हमने इस पर प्राइस भी लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे 525 लिखा हुआ है, यहाँ पे 525 रुपीज़ लिखा है, लेकिन इसको मैंने ख़रीदा है तो दोस्तों उतना भी नहीं लिया, इसका प्राइस मुझे लिया है कि 330 लिया है, तो 330 में मुझे ये ब्लेड मिल गया, लेकिन इसका प्राइस बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, तो इसमें तो कुछ प्राइस वगैरह कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो ये वाला क्वालिटी उतना खास नहीं है, तो ये जल्दी ही जो है कि इसका धार ख़त्म हो जाता है। तो आज मैं इससे ये वाला ब्लेड हमने लेकर आया हूँ नया, तो देख सकते हैं इसका पैकेट भी खुला हुआ नहीं है, देख सकते हैं पूरा पैकेट के अंदर में ही है, देख सकते हैं। तो इसको तो दोस्तों इस तरह से आप अगर नया ब्लेड भी खरीदते हैं ना, तो इसका इसका जो यहाँ पे इसका धार जो किया हुआ रहता है, तो दोस्तों इसका धार जो पूरा बराबर में रहता है सीधा, जैसे कि इस ब्लेड पे मैं दिखाता हूँ, तो इस पर मैंने हल्का सा हाफरन किया हुआ है, शायद आप लोग को थोड़ा बहुत दिख रहा होगा हाफरन, तो इसी तरह से इसको भी हाफरन करना पड़ेगा धार करके। तो चलिए मैं इसको हल्का सा हाफरन में धार कर लेंगे, फिर उसको धार करके फिटिंग करके भी दिखाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे TCT लिखा हुआ है, तो शायद इसका पैकेट पर भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको धार करके फिर उसके बाद में रंडा मशीन में फिटिंग कर भी के भी दिखाते हैं। और हमने दोस्तों यहाँ पे रंडा भी लेके रखा हुआ है, तो ये हमारा रंडा भी सेम वही एक्स्ट्रा पावर कंपनी का रंडा मशीन है, तो और ब्लेड भी वही कंपनी का, सेम कंपनी का हमने लेके रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसको धार करके मैं आप लोगों को फिटिंग करके एक लकड़ी पर रंडा मार के भी दिखाता हूँ, चलिए तो आप लोग बने रहो दोस्तों दोस्तों वीडियो पे।
दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं, हमने जो है कि दोनों ब्लेड को फाइनली धार करके इसको हल्का सा हाफ राउंड शेप में बनाकर रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा दिख सकते नीचे में हाफ राउंड है, इसी दो कोने में ऊंचा हो रहा है। तो इसी तरह से दोस्तों ब्लेड को हाफ राउंड शेप में बनाना है, देख सकते इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह हाफ राउंड नहीं बनाएंगे तो आपको रन्ना मारते समय जो है कि साइड साइड में लकड़ी पे निशान रह जाता है। तो इसलिए हमने इस ब्लेड को इसलिए थोड़ा सा हाफ राउंड कर दिया है। तो हमने हाफ ब्लेड को तो हाफ राउंड कर दिया है। तो अब चलिए दोस्तों इसको फिटिंग करने का काम भी जो है वो शुरू करते हैं। तो आप लोग देखिए दोस्तों ब्लेड को फिटिंग भी किस तरह से करना चाहिए, जो फिटिंग करने के बाद सही होना चाहिए। तो चलिए फिटिंग करने का काम शुरू करते हैं। मेरा फाइनली प्लानर मशीन का ब्लेड जो है वो लग गया है। तो चलिए मैं इसका सही तरह से फिट हुआ कि नहीं मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से इसके लगा एंगल जो है लगा के देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए ब्लेड बिल्कुल भी नहीं लग रहा, हल्का सा जो कि डाउन है इस तरह भी देखिए, ये देखिए इस पर नहीं लगता है ब्लेड, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। इसके दूसरे साइड भी दिखाते तो दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, देख सकते इस तरह से होना चाहिए दोस्तों, लगना नहीं चाहिए दोस्तों इस ब्लेड को, इस तरह से बिल्कुल फ्री होना चाहिए तभी होगा। और इस साइड का दोस्तों ये अप डाउन कर सकते हैं। तो ये अप डाउन करेंगे तभी इसको जितना अप डाउन करेंगे उतना उस स्पीड कटिंग करने का वो, अगर इसका ज़्यादा डाउन करते हैं तो ये आपको ज़्यादा खाएगा, इसको कम करेंगे तो कम खाएंगे। तो उसी तरह से तो चलिए अपने फिटिंग टू हो करके हो चुका है रेडी। तो आप चलिए रन्ना मार्केट में मैं आप लोग को दिखाता हूँ। चलिए
जैसे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे राना मार दिया, कितने आसान से अच्छा अच्छी तरीके से हमने मारकर इसके बराबर कर दिया, देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं इसको इसमें एंकल लगा के भी दिखाता हूँ आप लोगों को। तो जैसे आप देख सकते हैं, देखिए कितने आसानी से जो कि बराबर हो चुका है, अप डाउन बिल्कुल भी नहीं है, देख सकते हैं बहुत ही आसानी से और अच्छी तरह से जो कि बराबर हो चुका है, देख सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों राना का ब्लेड पैनल मशीन का ब्लेड जो फिटिंग करते जो कि बहुत ही अच्छी तरह से जो है कि सीधा हो जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा मैंने इलेक्ट्रिक प्लेनर मशीन का ब्लेड जो फिर से नया लेके आया, जो कि ये इस वाले कंपनी का ब्लेड, तो ये वाला कंपनी का ब्लेड हमने लेके आया। ये दोस्तों ये वाला बहुत ही अच्छा है, आप ये वाला ब्लेड लेके आप काम आसानी से कुछ भी काम कर सकते हैं। तो जल्दी इसका धार जो कि वो खत्म होने वाला नहीं है। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा, और दोस्तों वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि दोस्तों मैं जब भी एक नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो है कि तुरंत आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों मिलेंगे फिर से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।